और इस बीच दूसरी खबर एक आ रही है कि मटियाला विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ है और यहां पर जो उम्मीदवार के दफ्तर पर यह हमला किया गया है मटियाला क्षेत्र में, और राजेश गहलोत यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार है जो चुनाव मैदान में है, उन्हीं के दफ्तर पे सुबह सुबह हमला हुआ है और लाठी और डंडो रॉड से ये हमला किया गया है। रात 3 बजे ये हमला हुआ है, ये हम आपको बता दें। दफ्तर के बाहर कई गाड़ियों को तोड़ा गया, आम आदमी पार्टी पर हमले का आरोप लगाया गया है, और ये सारी स्थितियां बता रही हैं कि दिल्ली का चुनाव कितना संवेदनशील हो चला है और हमलावरों की तलाश में पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। ये और इन सब के बीच इससे पहले यह भी जानकारी जो हमने आपको दी थी कि एक और उम्मीदवार की गाड़ी पर हमला हुआ है जिसमें उसका बेटा मौजूद था, और ये एक दूसरी जानकारी आई है, दोनों बीजेपी के ही उम्मीदवार हैं जिन पर हमला किया गया है। तो ये एक स्थिति दिल्ली को लेकर संवेदनशील स्थिति बतला रही है चुनाव के मद्देनजर। हालांकि 80,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती है, 95,000 अधिकारी इस पूरे चुनाव को सफल बनाने में लगे हुए हैं, अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, सीमा पर कहीं सुरक्षा व्यवस्था चौकस की गई है, लेकिन ये दूसरी जानकारी मटियाला से आई है जहां पर बीजेपी उम्मीदवार के दफ्तर के बाहर कई गाड़ियों को तोड़ा गया है और सुबह 3 बजे ये दफ्तर पे हमला हुआ है। आम आदमी पार्टी पर ये हमले का आरोप लगाया गया है। हमलावरों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।